हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे ईएसपी की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ईएसपी का जो मैनली काम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने का, ठीक है। तो ईएसपी की जो वर्किंग प्रिंसिपल में ये चार चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पहला जो होता है कोरोना का जनरेशन, कोरोना का जनरेशन किस तरह से होता है, ठीक। दूसरा होता है पार्टिकल चार्जिंग, डस्ट पार्टिकल कैसे चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा होता है पार्टिकल कलेक्शंस, डस्ट पार्टिकल कैसे कलेक्टिंग प्लेट पर इकट्ठा होता है। और चौथा होता है पार्टिकल रिमूवल, कलेक्टिंग प्लेट पर चिपका हुआ डस्ट पार्टिकल को कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये है कलेक्टिंग प्लेट जो ग्राउंड से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ भी इस तरफ से भी कलेक्टिंग प्लेट है और इन दोनों कलेक्टिंग प्लेटों के बीच ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड है जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से जुड़ा होता है, ठीक। ये है डस्ट पार्टिकल, और ये है जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है कोरोना, या फिर इसको आयोनाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जब फ्लू गैस इनलेट होता है और जब फ्लू गैस इस फील्ड ये कोरोना के पास से गुजरता है, तो फ्लू गैस के जो डस्ट या फिर गैस जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे आके वो आयोनाइज करता है, ठीक है, बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कोरोना की जो प्रोसेस की शुरुआत होती है इस इमिटिंग इलेक्ट्रोड वाला जो वायर है, हाई फील्ड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स के होने से, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो आयनाइज गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कलेक्टिंग प्लेट की तरफ ये मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल पॉजिटिव कलेक्टिंग प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और एक बार कांटेक्ट में इसके कांटेक्ट में आने के बाद अपना जो चार्ज है उसको वो लूज कर देता है, खो देता है, और कलेक्टिंग प्लेट के सरफेस पर ये चिपक जाता है डस्ट के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसमें जो डस्ट कलेक्टिंग प्लेट के जो सरफेस में जो चिपका होता है, उसे हॉपर में जो ईएसपी के नीचे लगा होता है उसमें गिराते हैं वाइब्रेशन या फिर रैपर को कलेक्टिंग प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करके, तो ठीक है। ईएसपी का ये है सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल।